नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आई एग्जाम भी। सो गाइस, होता कुछ ये है कि वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स हैं उनका एक सर्वे होता है कि वो अपने देश में कितने पॉपुलर है, और इस सर्वे को कंडक्ट करा जाता है यूएस बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है, वो पूरा ये सर्वे कंडक्ट कराती है। और इस सर्वे में निकल कर ये सामने आता है कि वर्ल्ड में जितने भी लीडर्स हैं उन सभी में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो है पीएम मोदी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग इसका पूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। तो गाइस, कुछ इस प्रकार से आपने कई जो बड़े बड़े वर्ल्ड मीडिया चैनल्स हैं उनमें आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से जो हमारे वर्ल्ड लीडर्स की रैंकिंग आई है, जो सर्वे हुआ है, उसमें नरेंद्र मोदी जी को जो फर्स्ट रैंक मिली है, उन्होंने इसके पीछे बाइडन और ट्रूडो को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इसको कई जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने कवर किया है। आप देख सकते हो, एनडीटीवी हो जाएगा, फर्स्ट पोस्ट हो जाएगा, बिजनेस स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे इन तीनों ने ही इसको कवर किया है। और हाल ही में आपने भी देखा होगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को दोबारा से, यानी कि आप ये बोल सकते 2020 से यही हर बार ये खिताब जीते जा रहे हैं। अब हुआ क्या है, तो यहाँ पे जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आई एग्जाम बी के द्वारा एसएससी सीजीएल टीयर वन का कोर्स लॉन्च करा गया है, जिसमें आपको 700 से ज्यादा वीडियो लेसन देखने को मिलेंगे, 125 प्लस स्टडी कोर्स नोट्स देखने को मिलेंगे, 20 प्लस मॉक टेस्ट हैं इसमें, प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे द्वारा कराए जाएंगे, लाइव डाउट क्लास हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उनके द्वारा होगी। तो गाइज, यहाँ पे आपका फायदा यह है कि आपको अभी यहाँ पर 40% कंसेशन भी दिया जा रहा है। तो गाइज, बात करते हैं हम लोग क्या होता है एक्चुअल में। तो यहाँ पे पीएम मोदी जो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर का खिताब जीतते हैं, उनको यहाँ पे रेटिंग मिलती है 71%। लोगों ने यहाँ पे, जो इंडिया के एडल्ट हैं, जो एजुकेटेड एडल्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर इनको अप्रूव किया है कि हाँ, ये एक पॉपुलर लीडर है और ये एक ऐसे लीडर हैं जो भारत को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये सर्वे कंडक्ट कराती है वो है यूएस बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर, जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। ये मॉर्निंग कंसल्ट एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि वर्ल्ड के लीडर्स का क्या करवाती है, सर्वे करवाती है। अब आपको लग रहा होगा क्या इसमें पाकिस्तान के लीडर इमरान खान भी है, तो ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ वर्ल्ड की 13 कंट्रीज को लिया जाता है और उनके लीडर्स को ही चुना जाता है, उसमें पाकिस्तान नहीं है। तो वो 13 कंट्रीज कौन सी हो गई, ऑस्ट्रेलिया होगी, ब्राजील होगी, कनाडा होगी, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, इटली, जापान, मेक्सिको, साउथ कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पर कुल 13 ये कंट्रीज हैं जिनके लीडर्स का सर्वे होता है। सर्वे होता है उन्हीं के देश में, उन्हीं के एडल्ट जो वहां पे पॉपुलेशन है, जो एडुकेटेड पॉपुलेशन है, वो ये सर्वे कंडक्ट करती है। ये और एक कराने वाली कौन है, मॉर्निंग कंसल्ट। तो मई 2020 से ही यहाँ पे आपने देखा होगा हाईएस्ट रेटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही दी जा रही है। और मई 2020 में सबसे हाईएस्ट जो इनका पहुंचा था रेटिंग, यानी कि 84% इनको यहाँ पे अप्रूवल रेटिंग मिल चुकी थी। और यहाँ पे मई 2021 में आपने देखा होगा कि यहाँ पे इनकी जो रेटिंग थी वो 63%, यानी कि कम हो चुकी थी। हालांकि ये अभी भी फर्स्ट रैंक में थे, यहाँ पे ये दोनों बार फर्स्ट रैंकिंग में थे और तीसरी बार ये दोबारा से फर्स्ट रैंकिंग में आए हैं। तो यहाँ पे जो 63% आपको देखने को मिलेगा डिप, ये डिप क्यों था, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आ चुका था। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस में बंगाल में इलेक्शन हो रहे थे और बंगाल के इलेक्शन में पीएम मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो इसी को ही देखते हुए लोगों ने बोला था कि जो कोरोना वायरस है इसके ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की जा रही है, गवर्नमेंट अपने एजेंडा देख रही है, इलेक्शंस करवा रही है, हालांकि ऐसा नहीं करवाना चाहिए था। और इसी को मद्देनजर देखते हुए इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो गई थी, 63% हो गई थी। तो यहाँ पे कुछ ग्लोबल लीडर की अप्रूवल ट्रैकर उन्होंने यहाँ पर पब्लिश करी है बाय मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे मोदी को मिला है 71%, लोपेज ओब्राडोर, यहाँ पे ये है मेक्सिको का, यहाँ पे आपने ध्यान देना, सेकंड रैंक मिला है मेक्सिको, मारियो द्रागी हो गए आपके इटली के, किसीदा हो गए आपके जापान के स्कॉलेज, यहाँ पे आपने ये ध्यान देना है जर्मनी के, जो बाइडन यूएसए के हो गए, ट्रूडो हो गए आपके कनाडा के, यहाँ पे स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के, सांचेज हो गए आपके स्पेन के, मून हो गए यहाँ पे साउथ कोरिया के, बोल्सोनारो हो गए आपके, जायर बोल्सोनारो ब्राजील के, इमैनुअल मैक्रोन ये हो गए आपके फ्रांस के, और जॉनसन सबसे लास्ट मिला है
जॉनसन को, ठीक है। तो यहाँ पे जो जॉनसन है पर्टिकुलरली ये यूके के प्राइम मिनिस्टर है, सबसे कम रैंक इन्हीं को ही मिली है अभी। क्यों मिली है? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इनकी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कई सारे अभी आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कुछ करप्शन यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे जो पीएम मोदी, अगर हम लोग बात करें तो लास्ट 2 सालों से यहाँ पर जो अप्रूवल रेटिंग है उसमें सबसे हाईएस्ट जो रैंक अभी तक मिल चुका है वो 84% का मिल चुका है। इसके पीछे कारण ये बताए जा रहे थे कि इनके द्वारा करे गए जो काम है सर्जिकल स्ट्राइक से हैं, और इनके द्वारा जो बड़ी जीत हासिल की गई थी दोबारा से, तो यहाँ पे इन चीजों से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी। अब जो इनकी पॉपुलैरिटी थी वो कम क्यों हुई थी, यहाँ पे आप देख रहे हो मई 7 में इनकी पॉपुलैरिटी 63% आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड वेव, जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना है वो आ चुका था, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। और इसी को मद्देनजर देखते हुए सरकार पे कई लोगों ने सवाल भी उठाए थे, जिस कारण से इनको यहाँ पे लो रेटिंग मिली, हालांकि वो अभी भी फर्स्ट रैंक में थे। अब हम ये देखते हैं कि जो बाइडन को इतनी कम यहाँ पे अप्रूवल रेटिंग क्यों मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 1 साल का उनका टर्म हो चुका है प्रेसिडेंटशिप का। तो यहाँ पे आज की डेट में सबसे कम जो जो बाइडेन की रेटिंग है वो है 43%, लोगों ने उनको अप्रूव कराया एज अ प्रेसिडेंट, एज अ ये मानते हैं कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, 43% लोगों ने ही सिर्फ बोला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जब उन्होंने सबसे पहली बार यहाँ पे अपना ऑफिस ज्वाइन किया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो उनकी पॉपुलैरिटी थी 50%। अब देखिए, हम जो बाइडेन की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बाइडेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रेसिडेंट हो जाते हैं वर्ल्ड लेवल में, क्योंकि यूएसए सबसे पावरफुल कंट्री है और उसके प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। तो यहाँ पे इनकी पॉपुलैरिटी जो कम होती है यानी कि वो डिक्रीज होना चालू कर देती है मिड अगस्त से, क्योंकि यहाँ पर यूएसए में बहुत सारी कोविड डेथ होती है और उनके ऊपर कोई भी एक्शंस नहीं लिया था, इसीलिए जो बाइडेन की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से जो बाइडेन को कितने लोगों ने अनअप्रूव डिसअप्रूव करा है, तो 49% लोगों ने इनको डिसअप्रूव करा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी जी हैं इनको 21% लोगों ने ही क्या करा है, डिसअप्रूव करा है, और डिसअप्रूव में भी ये सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे, और अप्रूवल में भी सबसे ज्यादा आपको इन्हीं का ही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये बन जाते हैं हमारे लीडर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो रैंकिंग है ये जनवरी 13 से लेकर 19 के बीच में सर्वे किया गया था, उसका ये डाटा कलेक्शन लिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ये जो डाटा लिया जाता है ये 3 से 5 हजार लोगों का डाटा लिया जाता है, जो कि एजुकेटेड पर्सन होते हैं, और उनसे एक और सवाल ये पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत लोग ये मानते हैं कि सरकार के द्वारा की गई सारी कार्रवाई राइट डायरेक्शन में जा रही है या फिर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 60% जो लोग हैं, जो यहाँ पे आप 65-70% आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे लोगों ने बोला है कि ये अभी राइट डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि देश अभी सही दिशा में जा रहा है। हालांकि यहाँ पे आप 30% ये देखोगे कि 30% लोगों ने क्या बोला है कि ये जो देश है वो अभी गलत दिशा में जा रहा है। हालांकि जब आप ये देखोगे कि दोनों 50-50% होगा, तो ये नीला वाला भी ऊपर आ जाएगा और स्काई ब्लू वाला भी यहाँ पे आकर चिपक जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 70% लोग अभी ये मानते हैं कि जो देश है वो सही दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो बाइडन की यूएसए की, तो जो बाइडन को यहाँ पे आप देख सकते हो 50% लोगों ने ही क्या बोला है कि वो अभी हम उनसे डिसअप्रूव हैं, और यहाँ पे 40% लोगों ने अभी ये बोला है कि वो हाँ ये क्या करते हैं, इसको अप्रूव करते हैं और डिसअप्रूव। तो इनका यहाँ पे आप देख रहे हो अप्रूवल और डिसअप्रूवल दोनों बराबर में ही आ चुका है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये जो एक तरीके से ये सर्वे था मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा, यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स इस प्रकार से दी गई हैं। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा, आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि आपने किसके ऊपर केस स्टडी जाननी है या फिर सुननी है, तो मैं उस पर वीडियो लाने की जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।